बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को देश की सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक दिन पहले ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में डॉक्टर हर्षवर्धन को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो टिकट न मिलने से नाराज है और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी इसी लिस्ट के बाद की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीते रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि 30 साल से ज्यादा के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जिनमें मैंने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इनके अलावा पार्टी संगठन, राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य भी किया। अब मैं वापस अपने काम की ओर लौटना चाहता हूँ। कृष्णानगर में मेरा ENT क्लिनिक भी मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, अपने प्रशंसकों और आम नागरिकों के समर्थकों को साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन सभी ने 3 दशकों से अधिक की इस उल्लेखनीय मेरी यात्रा में योगदान दिया। गौरतलब हो कि इससे पहले पूर्व दिल्ली से भाजपा के सांसद गौतम गंभीर और झारखंड के हजीराबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भाजपा की पहली लिस्ट आने से पहले ही सक्रिय राजनीति से अलग करने का अपने आप को आग्रह किया था। वहीं अब सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करने का फैसला ले लिया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और बाद में ही पता चलेगा कि इन लोगों ने उम्मीदवार न बनाए जाने को लेकर राजनीति से संन्यास लिया है या फिर इन लोगों ने जो अपनी पर्सनल वजह बताई वही इनका राजनीति से संन्यास लेने का असल कारण है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।